कोड इग्नाइटर यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो एमवीसी मॉडल पे आधारित है। एमवीसी एक आर्किटेक्चर होता है पीएचपी में, पीएचपी की मदद से बनाया गया एक कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क है, जिसको सबसे पहले इलिप्स लैब नाम की कंपनी ने बनाया था। इलिप्स लैब एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले कोड इग्नाइटर को तैयार किया था। बाद में इस पर काम करने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईटी जो कि कोलंबिया में स्थित है, उसके कंप्यूटर डिपार्टमेंट ने उसके कंप्यूटर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने कोड इग्नाइटर के ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया। ये इंडिया का कॉलेज नहीं है जहाँ पर पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ लोग इनोवेशंस करते हैं, वहाँ के स्टैंडर्ड समझ लीजिए कि वो कोड इग्नाइटर को बनाते हैं और हम लोग पढ़ नहीं पाते, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ब्रिटिश कोलंबिया ये वाला जो कॉलेज है इसका जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट जिसमें डिप्लोमा क्लासेस होते हैं, यहाँ तो बैचलर पे आप वहाँ पे डिप्लोमा में जो चीज़ हो जाती है वो यहाँ बैचलर के स्टूडेंट नहीं कर पाते। डिप्लोमा का स्तर छोटा होता है बैचलर के आगे, बट फिर भी वो इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अच्छे से समझ पाते। ये 2 साल का होता है वहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेस, और अगर बैचलर की बात करें तो ये 3 साल का वहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर बीटेक 4 साल का होता है, वहाँ 3 साल में हो जाता है। तो सोचिए जो यहाँ पे 4 साल में नहीं खिला पाते वहाँ पे 3 साल में खिला उला के तैयार कर देते। खैर ब्रिटिश कोलंबिया इसको बनाया, यहाँ लिखा हुआ कोड इग्नाइटर वाज क्रिएटेड इन इलिप्स लैब एंड अभी जो है वो कोड इग्नाइटर फाउंडेशन एक नाम संस्था बन गई है, वो अब इसको हैंडल करती है, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी इसको हैंडल किया है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है जिसको पीएचपी से तैयार किया गया है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था कॉमर्शियल दुनिया में, यानी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ये एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जो एमवीसी मॉडल पे है। अब ये सवाल आता है मन में कि एमवीसी होता क्या है। तो देखिए एमवीसी बेसिकली अगर मैं यहाँ पे गूगल पे लिखूँ एमवीसी फ्रेमवर्क ये बात तो पहले बोल देना चाहिए था ना, हम स्क्रीन नहीं दिखा रहे हैं और खाली तुम लोग को बता रहे हैं। खैर रिकॉर्ड तो हुआ है वीडियो, टेंशन नहीं है। एक मिनट जस्ट WFZBORNBZW जस्ट अ सेकेंड। अब जरा चेक करके बताओ स्क्रीन दिख रहा है। ठीक ठीक है। तो एमवीसी मॉडल एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक का नाम एम है, फिर वी है और सी है। एम का मतलब यहाँ पर मॉडल से होता है। मॉडल एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा। तो ढांचा यहाँ पे डेटाबेस को कहते हैं। डेटाबेस जो है वो सारा काम, डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो होता है डेटाबेस के मॉडल के पास। जैसे कि आप जानते हैं डेटाबेस को सर्कुलर सिलेंडर स्वरूप आइकन दिया जाता है। तो ये डेटाबेस है जो पहले नंबर पर आपको दिख रहा है इस फोटो में। मैं फ़ोटो थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुमको और क्लियर हो जाए। तो देखिए जो पहला मॉडल है वो डेटाबेस से क्लियर है और जो व्यू होता है वो पब्लिक को दिखता है। बीच में जो आप लॉजिक्स लिखते हैं वो कंट्रोलर में होता है। यानी कि मॉडल्स अगर मान लेते हैं कोई डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, तो फॉर्म जो एचटीएमएल का वो व्यू है, बट इंसर्ट करने का जितना फंक्शंस है वो कंट्रोलर है और इंसर्ट होकर स्टोर कहाँ होगा, मॉडल में। ठीक ऐसे ही उल्टा कर लो। जैसे देखो यहाँ पे मॉडल से कोई डेटा कॉल करना है, यानी डेटाबेस से कोई डेटा को यूज़र को दिखाना है, तो डेटाबेस से डेटा उठकर कंट्रोलर पे जाता है और फिर कंट्रोलर उसको डिसाइड करता है कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, किस चीज़ को फ़िल्टर करना है, किस चीज़ को फ़िल्टर नहीं करना है, और उसके बाद वो व्यू में पब्लिक को दिखा देता है। यानी ये तीनों एक दूसरे के साथ काम करता है। बीच में कंट्रोलर इसका बड़ा अहम किरदार होता है इसमें एमवीसी में। तो मॉडल, व्यू, कंट्रोल तीनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। अगर समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एमवीसी से कुछ और चीज़ें समझा सकते हैं। मॉडल जो यहाँ पे बस डेटा बेस से रिलेटेड वर्क करता है, कंट्रोलर मॉडल और व्यू को कंट्रोल करता है और व्यू पब्लिक को दिखाता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो MVC मॉडल में कोड इग्नाइटर को डाउनलोड करने के लिए, हालांकि कोड इग्नाइटर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 4 है, बट वो अपकमिंग है। मतलब ये जो कोड इग्नाइटर 4 है वो फ्यूचर है, ये सुटेबल वर्जन अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। आपको कोड इग्नाइटर 3 बताऊंगा जो कि अभी करंट में है। कोड इग्नाइटर 3 के लिए आप यहाँ पर डाउनलोड बटन देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करने से आपको एक फाइल, सॉरी एक zip फाइल डाउनलोड हो जाएगा। नीचे देखिए एक zip फाइल डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद ये फाइल कुछ ये zip फाइल है, ठीक है। आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी डंप कर देना है, ठीक है। नॉर्मली इसको डंप कहते हैं, यानी उठा के पटक देना, उठा के फेंक देना। तो देखिए ये फाइल में क्या है, इस फाइल को खोलते हैं तो इस फाइल में हमको एप्लीकेशन, सिस्टम और यूज़र गाइड 3 फोल्डर मिलता है। हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे सिंपल। और सी ड्राइव में जैम फोल्डर के अंदर STDOC फोल्डर है, वहाँ पर जाने के बाद हम CI नाम का एक फोल्डर बनाया है, ठीक है, उसके अंदर डाल देते हैं। CI मतलब कोड इग्नाइटर से है। तो मैंने क्या किया, STDOC में एक कोड इग्नाइटर फोल्डर यानी CI फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये सारा फाइल डाल दिया। कौन, 3 फोल्डर होते हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूज़र। एप्लीकेशन का मतलब वो जो आप बनाएंगे, सिस्टम मतलब जो आपको बना हुआ मिला है, और यूज़र गाइड मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, मदद लेने के लिए आपको वो जगह इसके अंदर रखी गई। बाकी बाहर एक इंडेक्स फाइल है जिसके बारे में धीरे धीरे बाद में बात करेंगे। तो आपका जो CI फोल्डर है उसको अपने कोड इग्नाइटर में, कोड इग्नाइटर को ब्रैकेट में, सब लाइन में या फिर VS कोड में आप ऐड कर लेंगे एज ए प्रोजेक्ट, ताकि आप इसमें एडिट कर सकें। तो बेसिकली आप जो अपने लोकल होस्ट यानी कि जैम को आप रन कर लेंगे, नॉर्मली जो आप PHP में करते हैं रन, तो ये लोकल होस्ट /CI लिखकर आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो पेज मिल रहा है वो है वेलकम का पेज, वेलकम टू कोड इग्नाइटर। और यहाँ पे लिखा, दिस पेज यू लुक लाइक टू जनरेट डायनामिकली बाय द कोड इग्नाइटर। इफ़ यू वुड लाइक टू एडिट दिस पेज, प्लीज़ फाइंड द लोकेशन एट एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर में, व्यू फोल्डर के अंदर में वेलकम मैसेज .php नाम का एक फाइल पड़ा है, जिसको आप एडिट करने से ये वाला पेज एडिट होगा, ये बता रहा है। और उसके बाद उसके क्रॉसपॉन्डिंग भी बता रहा है, द क्रॉसपॉन्डिंग कंट्रोलर, इसका जो कंट्रोलर है वो आपका पड़ा है एप्लीकेशन के कंट्रोलर के वेलकम .php नाम से। तो ये यहाँ पे ऐसे ही बता रहा है, जिसके जो आपको कंफर्म करता है कि हाँ आपने सही खोला। तो चलिए आते हैं फोल्डर्स के ऊपर। आपको सिस्टम फोल्डर से कोई लेना देना नहीं है अभी, आप बहुत एडवांस चले जाएंगे तब सिस्टम में कुछ छिड़खानी बता सकते हैं, बट अगर शुरू में बनाएंगे तो आपका एप्लीकेशन ख़राब हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ी इंजन को नहीं छूता, बस उसको गाड़ी चलाने से मतलब है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो हम जैसे खोला तो उसमें कई फोल्डर्स नज़र आए। पहला तो कैश, ये कैश क्या होता है, कैश एक मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग वेबसाइट को फास्ट करने में करते हैं। मतलब एक बार जो वेबसाइट मेरे कंप्यूटर में खुल चुका है उसको दोबारा लोड ना करवाए, तो उसके लिए कैश का जितना भी काम हम लोग को करना है, अगर खासकर इमेज में कैशिंग होनी चाहिए, तो कोड इग्नाइटर का कैश से रिलेटेड वर्क इस फोल्डर में करेंगे। दूसरा फोल्डर का नाम है कॉन्फ़िग, ये वो फोल्डर है जिसमें सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। चाहे अब उसको खोल के देखो, इसमें ऑटो लोड, कॉन्फ़िग, कॉन्स्टेंट, डेटाबेस, यानी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितना काम है वो कॉन्फ़िग फोल्डर में ही होगा और कहीं नहीं। तीसरा है कंट्रोलर, जैसे कि मैंने MVC में C को कंट्रोलर बताया था वो यही है। आ गया थे कोड, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हेल्पर, मदद करने वाले फंक्शंस आपके इसमें बना सकते हैं। हुक्स, जो कि दो चीज़ों को साथ में कंबाइन करके तैयार कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए प्रीपेड फंक्शन ही कह लीजिए आप इसको। लैंग्वेज, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बना रहे हैं, कोई वेबसाइट ऐसा बना रहे हैं जो इंडिया में खुले तो इंग्लिश में खुले, और पाकिस्तान में खुले तो उर्दू में खुले, और फिलीपींस में खुले तो फिलीपींस की भाषा में खुले,
अमेरिका में खुले तो यूके में खुले तो यूके का लैंग्वेज हो, और यूएस में खुले तो यूएस का लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज के हिसाब से मेरा वेबसाइट अलग अलग रीजन में अलग अलग दिखे लैंग्वेज के हिसाब से। उसके लिए हम लोग जो काम करेंगे वो लैंग्वेज फोल्डर है। फिर कुछ लाइब्रेरी हमको बना बनाए हुआ मिलता है, कुछ हम बना सकते हैं। जो लाइब्रेरी फोल्डर खाली पड़ा हुआ है, ये सारे फोल्डर खाली पड़े हुए हैं, इसमें आप बना सकते हैं। फिर आता है लॉग। लॉग एक बेसिकली एक ऐसा फोल्डर है जिसमें आप कोई भी चीज़ जो कर रहे होते हैं वो स्टोर करा सकते हैं, मतलब इवेंट्स को स्टोर करा सकते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लॉग बेसिकली इंफॉर्मेशन होता है। अब आते हैं बात करते हैं मॉडल की, जो हम कह रहे थे डेटाबेस से रिलेटेड है। डेटाबेस से रिलेटेड जो चीज़ होती है उसको मॉडल कहते हैं। मॉडल जो है वो बेसिकली एक फंक्शंस होता है। आता है थर्ड पार्टी, जैसे मान लो अगर हमको पेमेंट गेटवे ऐड करना है या कुछ और ऐड करना है तो उसको थर्ड पार्टी कहते हैं, यानी कि जो मेरा नहीं है दूसरे से लिया गया। फिर आता है व्यू, जो कि एमवीसी में भी का जो काम करता है वो है व्यू। तो इसमें मॉडल व्यू कंट्रोल दिख गया आपको, एम मतलब मॉडल, व्यू और ऊपर देखो कंट्रोलर। तो ये तीनों चीज़ इसी फोल्डर में होता है। बेसिकली आपको फोल्डर्स के नाम और उसके काम हम आपको बताएं एक ओवरव्यू के तौर पे, बट हम आपको आगे इसके डिटेल्स करेंगे किस में क्या काम करना। तो सबसे पहले सबसे आसान काम में हम एक फाइल बनाकर अपने से रेंडर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्रोलर दिखाता हूँ। कंट्रोलर को जब आप खोलेंगे तो उसमें बना बनाया हुआ कंट्रोलर एक पड़ा है जिसका नाम है वेलकम। आप इसको जब खोलेंगे तो ऊपर में कुछ कमेंट नज़र आएगा, तो कमेंट आप ऑब्वियस रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आपके पास आपको दिखेगा यहाँ पे एक क्लास जो कि पीएचपी से बना हुआ है, नाम इसका है वेलकम, और एक्सटेंड किया गया है यानी कि इनहेरिट किया गया है सीआई कंट्रोलर नाम के पहले पुराने क्लास। अब आप कहेंगे यहाँ पे सर सीआई कंट्रोलर तो हमको दिख नहीं रहा, तो ऑफकोर्स आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वाला फाइल के साथ क्या किया गया है कि इस वाले क्लास को कर दिया गया दूसरे पेज में। वो कहाँ है? वो है सिस्टम फोल्डर के अंदर। सिस्टम फोल्डर में भी एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर है, उसके सीआई कंट्रोलर वहाँ बना हुआ है, आप खाली एक्सटेंड करते हैं तो आपके उसके रिलेटेड जो डिज़ाइन की गई है उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब बनता है किसी क्लास के अंदर फंक्शन। हमको पता है क्लास के अंदर फंक्शन को हम लोग मेथड कहते हैं। तो मेथड जो हम लोग तैयार करते हैं जैसे एक मेथड यहाँ तैयार हुआ हुआ है इंडेक्स नाम से, चलो हम एक और तैयार करते हैं पब्लिक। वैसे पीएचपी में पब्लिक नहीं लिखने पर भी पब्लिक ही होता है, पब्लिक फंक्शन। और यहाँ पे हम नाम रखते हैं मान लो आलोक, फंक्शन का नाम आलोक, और यहाँ पे एको लगा देते हैं इस तरीके से H1 का एको, हेलो वर्ल्ड। परंपरा तो आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले परंपरा तो बचा के रखना, तो हेलो वर्ल्ड। तो आलोक नाम का मैंने जो फंक्शन बनाया वो किसके अंदर है? वेलकम कंट्रोलर के अंदर है। तो चलिए इसको एक्सेस कैसे किया जाए। तो देखिए एक्सेस करने के लिए जो URL होता है वो मैंने आपको बता देना है। सबसे पहले तो आपको लोकल होस्ट होता है, फिर आपके प्रोजेक्ट फोल्डर होते हैं यानी कि CI, उसके बाद आपको लिखना होगा index.php, ये फिक्स है। इसके बाद स्लैश देना है, अपने कंट्रोलर का नाम लिखना है, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिखना है। मतलब यहाँ पे फाइल का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको कंट्रोलर और मेथड का नाम लिखना है। index.php से पहले जितनी की चीज़ें हैं वो सब तो फिक्स होगा, बट उसके बाद वाली चीज़ें फिक्स नहीं होंगी। तो आलोक जैसे लिखा मैंने, एंटर किया और देखो हेलो वर्ल्ड, यानी कि वो फंक्शन चल गया। उस फंक्शन का रनिंग इसी बेसिस पे होता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड करके आपको दिखाया। चलिए मैं अगर हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे मैं HTML लिखना शुरू करूँ सारा पूरा पेज का, कितना गंदा सा लगेगा। ऑफकोर्स हम कंट्रोलर में पूरा HTML नहीं कर सकते, तो इसको बचने के लिए क्या करेंगे? तो बचने के लिए हम व्यू में एक फोल्डर फाइल बनाएंगे। तो व्यू में हम क्या करेंगे, व्यू फोल्डर है, हम कहा था कि पब्लिक से रिलेटेड सारा काम व्यू में होता है, तो HTML CSS का काम भी व्यू में ही होता है। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं आलोक डॉट PHP। अब मेरा आलोक डॉट PHP ऐसा है जैसे नॉर्मल हम लोग हमेशा PHP करते हुए। अब आप देखिए हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं आलोक वेबसाइट, और हम यहाँ पे H1 लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, परंपरागत तरीके से सारा काम जैसे हम पैराग्राफ लिखा और उसके बाद लॉरेल, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें वैसे ही हम किए जैसे नॉर्मल HTML के लिए करते हैं, बट हम चाहते हैं ये पेज दिखे तो कंट्रोलर में हमको इसको पुट इन करना पड़ेगा, यानी इस जगह पे जो हम इको किए हैं वहाँ पे इको की जगह लिखना पड़ेगा दिस। हम लोग पता है कि इसी प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहे हैं, और उसके बाद लोड, उसके बाद व्यू, इसी प्रोजेक्ट का लोड कर लो व्यू को। व्यू जैसे लोड किया वैसे कौन सा फाइल देखेगा, फोल्डर देखेगा, व्यू फोल्डर देखेगा। अब उसमें नाम क्या रखा है, तो आलो। डॉट PHP लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नाम उठा लीजिए। नाम उठा दीजिए आलो, तो बात हो गया ख़त्म। अब हम उसी पेज को रिफ्रेश करते हैं जो मैं हेलो वर्ल्ड दिख रहा था। अब आप देखेंगे पूरा HTML आ गया, ऊपर में टाइटल भी आ गया, हेलो वर्ल्ड भी आ गया, पैराग्राफ भी आ गया, कंप्लीट HTML आपको रेंडर हो रहा है। तो ये तरीका होता है किसी भी व्यू को दिखाने का। अब एक से ज़्यादा फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे फंक्शन बनाएंगे वैसे फाइल चेंज कर सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पे बनाना है एक छोटा सा प्रैक्टिस बेसिस पे काम करना है, वो ये है कि मेरा वेबसाइट है CodeWithSadiq, बूटस्ट्रैप से बना सकते हैं आप पूरा कंप्लीट इसको। इसको आप कोड इग्नाइटर में बनाएंगे, इसके या फिर आपको जेनरेटर में चार पेज का कोई भी फाइल बना ले। चार पेज बनाने के लिए फिर से आपको व्यू डॉट व्यूज़ डॉट पी एच वी में व्यूज़ में पहन लो व्यूज़ में यहाँ पर व्यूज़ में यहाँ पे फोल्डर है में हम जितना फाइल बना लेंगे उतना फंक्शन हम यहाँ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि हमको एक और फाइल बनाना है, मान लो होम, तो यहाँ पर हम लिखा होम डॉट पी एच पी, और उसके बाद हम मान लो वेलकम में इस जगह पे लिखा पब्लिक फंक्शन, और उसके बाद दिस लोड व्यू, और उस पेज का नाम होम। आप फंक्शन का नाम और व्यू का नाम भी सेम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम इस पेज में छोटा सा HTML करके लिख देते हैं दिस इज़ होम पेज, ऐसा दिस इज होम पेज, ठीक है। तो अब ऐसा होने के बाद आप क्या करेंगे, आप बस आलोक की जगह पे नाम, क्योंकि कंट्रोलर का नाम तो सेम है होम, यानी आपको मल्टीपल पेज मिल गए। तब एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए बस मल्टीपल पेज का डिज़ाइन बनाकर हमको आप दे दें। कैसे देंगे आप मैं बताता हूँ, अपना होस्ट सर्वर बदलना पड़ेगा हमको, आजकल डाउन हो जाता है। तो मैं आप कोई भी एक वेबसाइट ले लें जिसमें तीन पेज कम से कम हो, और उसको बना लें कोऑर्डिनेटर पे। मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, आप अपने से बनाएं और हमको भेजें।